गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैंने 2 से 3 दिन से बहुत सारे कॉल्स इस तरीके के रिसीव करे हैं कि वाटर रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, हीट स्ट्रोक, डिजीनेस एंड साथ साथ नींद ना आना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो स्पेशली दिल्ली NCR में रहते हैं उनके साथ ये सेम प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ का टेम्परेचर 40-45 डिग्री क्रॉस हो रहा है, इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी है कि अगर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हुए तो जो सॉलिड लोग हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता एंड कुछ लोग ऐसे जिनकी बैंड बच जाती है। सो मैंने बहुत सारे कॉल्स इस तरीके के रिसीव करे हैं एंड इस मौसम में ऐसा होना आम बात है, नॉर्मल है, बट आपको अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है जिसकी हेल्प से आप इन सब प्रॉब्लम से फाइट कर सको। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक समर का वेट लॉस स्टूडेंट जो कि बहुत ही सिंपल रेमेडीज से बन रहा है, आपके घर पे बेसिक रेमेडीज से बनेगा। उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से अपनी डाइट में ऐड करेंगे जिसकी हेल्प से हमारी ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे फाइट करने में हेल्प मिलेगा। इतनी सी प्रॉब्लम आती है और पूरा बॉडी अनबैलेंस हो जाता है एंड हमारा जो वेट लॉस का ग्राफ चल रहा है, जर्नी चल रही है, वो बिल्कुल डिप कर जाती है। बंदा डीमोटिवेट होता है, फिर खड़ा होता है, फिर दोबारा चलता है, फिर दोबारा गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। बट ऐसे करते 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 आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। कुछ बहुत ही कमज़ोर दिल के होते हैं वो जर्नी अपनी वेट लॉस की क्विट कर लेते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं कि ज़िद्दी होते हैं कि हम करके छोड़ेंगे, वो लोग आगे निकल जाते हैं। सो आपको ज़िद्दी बनना है, कमज़ोर नहीं बनना। सेकेंड पॉइंट इज़ ये जो चूर्ण है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा स्पेशली इन समर्स एंड बहुत ही सिंपल रेमेडी है, किस तरीके से यूज़ करनी है वो सब मैं अभी बताऊँगी। एंड चूर्ण बहुत 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनेगा जो सबके घर में रहती है, इनफैक्ट सबके घर में होती है। सो अब चलते हैं किचन में और सबसे पहले बनाते हैं हमारा समर का वेट लॉस चूर्ण। ओके, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम बना रहे हैं चूर्ण। ये हमारे पास धनिया के बीज, हम ब्लेंडर में ये डालेंगे 3 चम्मच। नेक्स्ट मेरे पास है सौंफ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर मोटी और पतली सौंफ दोनों मिक्स हैं। पतली वाली थोड़ी सी मीठी होती है जो रेस्टोरेंट पे भी मिलती है, और मोटी सौंफ वो है जो हम अचार में डालते हैं। सो दोनों सौंफ मिक्स की है मैंने और देखिए 4 चम्मच डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है जागरी पाउडर, इसको हम डालेंगे 1 चम्मच, उसको हम डालेंगे 2 चम्मच, 2.5 चम्मच इतना जागरी पाउडर। ओके, नेक्स्ट ये है मेरे पास काला नमक, ये ऑप्शनल है बट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जितना काला नमक। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ओके, सो हियर वी गो, दिस पाउडर इज रेडी एंड इसको हम एक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे लाइक दिस। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी एंड अब इसे हम दिखाएंगे यूज़ कैसे करेंगे 3 ड्रिंक्स के साथ। वेलकम बैक जी। सो ये चूर्ण किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, मैं इसकी 3 ड्रिंक्स बताऊंगी आपको किस तरीके से आपने इसको अपनी डाइट में ऐड करना और कब कब ऐड करना है। सो वो 3 ड्रिंक्स क्या हैं, चलते हैं किचन। ओके, सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, बाहर से आए हैं अंदर और बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है, हम ये वाला इसका मिक्सचर लेंगे 1 चम्मच, पानी में डाला, इसको बंद करा। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा 1/2 लेमन, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आइस डाल सकते हैं और ठंडा पानी, अप टू यू, बट गर्म करके कुछ नहीं पीना इतनी गर्मी में। एंड दिस ड्रिंक इज रेडी। ये सबसे रामबाण है कॉन्स्टिपेशन का, इसलिए मैंने 2 चम्मच इतनी दही, 1 और चम्मच ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है थोड़े से पुदीने के पत्ते, इसको हम तोड़ेंगे, 3 से 4 ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा पाउडर। मेक श्योर इसके अंदर गीला चम्मच नहीं जाना चाहिए, 1 चम्मच जितना ये पाउडर डाला हमने, को किया बंद, इसको खूब अच्छे से मिक्स करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बेसिकली छाछ बना रहे हैं हम, छाछ। इसके अंदर हम पूरा ग्लास पानी डाल देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब्स, ये हमने डाल दिया हमारा बटर मिल्क। वेलकम बैक जी। सो फर्स्ट ड्रिंक हम
कभी भी ले सकते हैं हमारा पाउडर एंड लेमन का कॉम्बिनेशन, आप इसको कभी भी लीजिए दिन में, जब जब आपको लगता है कि आप बाहर से स्पेशली अंदर आए हैं, 7 बजे तक इवनिंग के आप इसको ले सकते हैं। एंड उसको लेने के बाद यू पर्सनली फील लाइक कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको बहुत अच्छे से फ्लश ऑफ होगा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करते ही होंगे आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएं और आप ये ड्रिंक ले लें, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने साथ लेकर चलनी ही पड़ेगी। बहुत सारे तरीकों से आपको अपनी डाइट में बहुत सारा फाइबर, ठंडी चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए। और सेकेंड इज, अगर ये पाउडर आप बटर मिल्क छाछ के साथ जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से लेते हो, आपका बहुत अच्छे से स्टमक क्लियर होगा, आपको जो हीट स्ट्रोक आ रहा है, डिजी वाला फीलिंग आ रहा है, वो ऑन द स्पॉट रुक जाएगा एंड यू विल फील बेटर। थर्ड इज़, अगर आप इसको अपने फ्रूट्स में, अपनी सैलड में ऊपर से स्प्रिंकल करके खाओगे, जैसे कि कुछ कुछ सैलड्स ऐसी होती हैं डिनर की स्पेशली, जो मैं कभी कभार बोल देती हूँ कि ज़ीरो सॉल्ट लेंगे, अगर आप उसमें भी ये सैलड पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करके खाएंगे, आपको बहुत अच्छा फील आएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आप डाइट पे हो। एंड सेकेंड इज, आपको डिजीनेस वाला जो प्रॉब्लम है वो भी चला जाएगा एंड आपका कॉन्स्टिपेशन और अगर वाटर रिटेन हो रहा है तब भी वो निकल जाएगा। सो ये 3 तरीके के मेथड से हम अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज, ये जो चूर्ण है कल्ला, ये आपका वेट लॉस करने में हेल्प नहीं करेगा। यस, ये मेटाबॉलिक रेट को पुश करेगा, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करेगा, ये आपके वाटर रिटेंशन पे वर्क करेगा, बट एंड ऑफ द स्टोरी इज आपको अच्छे से डाइट मैनेज करनी ही पड़ेगी। विदाउट मैनेजिंग अ डाइट, गुड लाइफस्टाइल, हैप्पी स्लीप विच मीन्स 6 to 8 hours का स्लीप एंड अपना मेंटल हेल्थ को कैरी करके अगर आप नहीं चलते, कोई भी पावर, कोई भी चीज़ आपका वेट लॉस नहीं करा सकती। So yeah, that's all about this video guys. I hope this video is useful. जिन जिन लोगों को इस समय dizziness, constipation, water retention, lack of sleep और बहुत ज़्यादा palpitation की problem आ रही है, उनको heat बहुत ज़्यादा feel हो रही है, उनको ये remedy share कीजिए and सबको benefit लेने दीजिए। So yeah, that's it. I'll see you soon. Take care. Bye bye.